नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, साल में चार नवरात्रियां आती हैं, उसमें से एक है ये आषाढ़ी नवरात्रि। ये गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें जो भी आप साधनाएं करते हैं गुप्त रूप से, उसका जबरदस्त फल देखने के लिए मिलता है। जो भी साधु संत है और वो भी जो तांत्रिक है, गुप्त नवरात्रि का बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत अच्छे से इसका यूज करते हैं और अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपनी तपस्याओं को सफल बनाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ लोग काफी कम ऐसे लोग हैं जो गुप्त नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं या तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा पीरियड है और इस बार तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि ये संजोग वर्षों बाद पड़ रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में ये नवरात्रि आ रही है। 11 जुलाई से शुरू हो रही है जो 18 जुलाई तक चलने वाली है। पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी काम करो, आपको ज्वलंत सफलता मिलती ही मिलती है। ये नक्षत्र ग्रहों का राजा है। पुष्य नक्षत्र में दोस्तों, यदि आपके जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका धंधा है चल नहीं रहा है, आप सफेद आंकड़े की जड़ लेकर के आए। मैंने पुष्य नक्षत्र से जुड़ी हुई काफी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी है। यदि आपको जरूरत लगती है तो एक बार प्लीज चैनल पर जाए और अवश्य ही देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लेकर के आ सकते हैं और वो तमाम आपके नीड्स पूरी कर सकते हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो ये जो है, ये सफेद आंकड़ा, इसकी जड़ आपको लानी है पुष्य नक्षत्र में। एक दिन पहले आप जाएं, जा करके पीले चावल चढ़ा दें, दो अगरबत्ती लगाए, जल सींच दें पौधे की जड़ में और आप प्रार्थना करें कि कल मैं आपको लेने के लिए आऊंगा या आऊंगी। उसके बाद में आप उस जड़ को काट लाएं, ला करके आप उसे अभिमंत्रित कर लें, पूजा स्थान में उसे धो करके रख लें, उस पर हल्दी चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें। उसके बाद में जो भी आपके इष्ट देव हो, उसके मंत्र से या फिर अपने कुल देवी के मंत्र से 108 मतलब कि एक माला सिर्फ आप करें और इसको उठा करके पीले कपड़े में रैप करके आप अपने राइट हैंड में बांध लें, या आपको ना बांधना हो तो आप इस जड़ को अपने पर्स में रखें। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका जो धंधा है वो चलने लग जाएगा। कैसा भी आपका बिजनेस हो, बहुत जल्दी इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप अवश्य ही करें। यदि कोई लंबे समय से आपकी कोई मनसा, कोई इच्छा ऐसी हो जो पूरी नहीं हो रही हो, कोई ऐसा काम हो जो अटका पड़ा हो, किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करें, 11 जुलाई से जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन से 18 जुलाई तक रोज आप अपने घर में माता रानी के सामने दिया बत्ती अवश्य ही लगाएं। यदि आप स्थापना नहीं करते हैं, कोई बड़ी पूजा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, यदि आपने स्थापना की हुई है, आप व्रत उपवास कर रहे हैं, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप दिया बत्ती लगाएं, माता रानी के आगे एक उन्हें कुछ गुलाब का अवश्य ही आप अर्पित करें और उसके बाद आप नागरवेल का एक पान ले लें, नागरवेल का पान ले, उसके ऊपर आप 1 रुपया रखें या फिर पान का बीड़ा जो पूजा पाठ में माता रानी को अर्पित किया जाता है वो पान का बीड़ा आप लेकर के आए और रोज एक पान का बीड़ा और 1 रुपया आप माता रानी को अर्पित करें। आप 18 तारीख तक मतलब नवरात्रि भर रोज आप इस काम को करें। यदि आप पुष्प वगैरह ना चढ़ा पाते हो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ 1 रुपया और 1 पान का बीड़ा 9 दिन माता रानी को आप अर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरा ये काम जो रुका हुआ है ये अवश्य ही पूरा हो जाए, या उसके सिवाय जो भी आपकी इच्छा हो, कोई भी आपकी ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही हो, आपके अंदर किसी चीज की वॉन्ट हो कि मुझे ये चीज चाहिए और आप उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको करना है रेगुलर रेगुलर 1 पान का बीड़ा और 1 रुपया आप माता रानी को अर्पित कर दें। जब आपके 9 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जो पान के बीड़े आपने अर्पित किए हैं माता रानी को,
उन्हें आप उठाएं, उठा करके पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ऐसी जगह मतलब रखें जहां किसी के पैर के नीचे न आए। और यदि बहता हुआ पानी अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि आप उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। जो 9 रुपए हैं, 9 सिक्के आपने चढ़ाए हैं माता रानी पर, उन सिक्कों को आप उठा लें, उठा करके उन्हें आप अपनी तिजोरी में रख दें, लाल या पीले कपड़े में आप उसे बांध दें और तिजोरी में रखें। अब ये आप ना सोचे कि कभी ऐसा जैसे कि 11 तारीख है, 18 तारीख है, मेरे तो 7 ही सिक्के हुए, मेरे तो 8 ही सिक्के हुए, मेरे 9 सिक्के नहीं हुए। जो भी आपने अर्पित किया है नवरात्रि भर, बराबर जैसे अभी आप 11 तारीख से रखोगे तो 8 ही होंगे ना, तो आप उसको 8 को ही रखो। लेकिन आप ये मत सोचो कि जैसे मेरे 9 नवरात्रि है तो 9 सिक्के, तो आपके जितने 7 दिन की नवरात्रि पड़ रही है, क्योंकि इस बार ही नहीं, आपको जब भी किसी भी नवरात्रि में यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो नवरात्रि चाहे 7 दिन की हो, 8 दिन की हो, 9 दिन की हो, आप उतने दिन एक पान का बीड़ा और 1 रुपया माता रानी को अर्पित करते रहें। पान के बीड़े पानी में विसर्जित कर दें या पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें, और जो सिक्के हैं उन सिक्कों को आप अपनी तिजोरी में रखें, लाल या पीले कपड़े में बांध करके। दोस्तों बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कैसा भी आपका रुका हुआ काम है, बहुत जल्दी माता रानी की कृपा से वो काम पूरा होता है। जब आप इन दोनों ही चीजों को रखते हैं उस समय आपको बड़े मन से माता रानी से प्रार्थना करना है कि मैं ये चीज आपको अर्पित करती हूँ, बस इसी चीज को मन में रख करके कि मेरा एक काम हो। आप देखेंगे दोस्तों भक्ति में बहुत शक्ति है, आपका काम जरूर पूरा होगा, करके देखें। जय श्री कृष्ण।